नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक दो बजे के बुलेटिन में। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला और उसका दोस्त छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार हुआ है। दोनों पर बड़े अधिकारी की बेटी से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक दोनों ने अधिकारी की बेटी की कार का पीछा किया, उसे रोका और फिर छेड़छाड़ की है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बीजेपी हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन दोनों को छेड़छाड़ के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि इन दोनों ने एक बड़े अधिकारी की बेटी की कार को पहले रोका और उसके बाद उससे छेड़छाड़ की। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, पूरी खबर बताएं। ये देखिए, रात तकरीबन 12:30 बजे चंडीगढ़ पुलिस को 100 नंबर पर एक कॉल मिली थी जिसमें एक लड़की ने फोन किया था और उसने कहा था कि मेरे पीछे एक सफारी गाड़ी लगी हुई है, तकरीबन 10 किलोमीटर से ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं और मेरे को जो है बार बार तंग कर रहे हैं और मैंने फिलहाल गाड़ी रोककर साइड में लगा ली है और साइड में लगाकर उसने सेंटर लॉक कर लिया था। उसके बावजूद ये लोग गाड़ी से उतरे, गाड़ी से उतरने के बाद लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। हालांकि लड़की ने जो है 100 नंबर पर कॉल कर दिया था और तब तक पुलिस वहां पर पहुंच चुकी थी। पुलिस ने मौके पर तुरंत जो है कार्रवाई की और जब पुलिस वहां पर पहुंची तो दो युवक एक सफेद रंग की टाटा सफारी गाड़ी में सवार थे। गाड़ी का नंबर 1008 है। पुलिस ने मौके से दोनों को जो है हिरासत में लिया, थाने ले जाया गया और वहां पर पूछताछ हुई, लड़की को भी बुलाया गया तो कहीं ना कहीं ये आरोप सही पाए गए। और रात में ही जब मेडिकल कराया गया तो शराब पीने की दोनों युवकों की पुष्टि हुई। उसके बाद पुलिस ने जो है छेड़खानी और जबरदस्ती करने का मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल हरियाणा बीजेपी के जो अध्यक्ष है सुभाष बराला, उनके बेटे विकास बराला और उसके दोस्त आशीष, दोनों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और लड़की के जो है 164 के तहत बयान थाने में दर्ज हो चुके हैं। शुक्रिया सत्येंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस मुद्दे पर चंडीगढ़ के एएसपी सतीश कुमार से बात की आज तक संवाददाता सत्येंद्र चौहान ने, क्या कुछ कहा उन्होंने, आई सुनते हैं। हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे पर जो है छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ है। फिलहाल हमारे साथ एसपी मौजूद है चंडीगढ़ पुलिस के। सर, क्या मामला दर्ज हुआ है? रात को 12:30 बजे हमें इतना मिली थी, एक लेडी कंप्लेनेंट ने कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया था कि एक वाइट सफारी उनका पीछा कर रही है, उनको परेशान कर रही है। इमीडिएटली पीसीआर व्हीकल और लोकल पुलिस स्टेशन के व्हीकलों ने उनका पीछा करके जो अलेज्ड व्हीकल था उसको एप्रीहेंड किया। उसमें दो लड़के थे जिनका मेडिकल कराया गया, मेडिकल में अकाउंट की प्रेजेंस मिली है। लड़की से कंप्लेन लेके 354 DIPC 185 मोटर व्हीकल एक्ट की FIR रजिस्टर की गई। सर, ये बताइए, क्या लड़कों का मेडिकल कराया गया, शराब पीने की पुष्टि हुई है? हाँ जी, शराब पीने की पुष्टि हुई है तभी।